हेलो बच्चों, आज हम ग्याफी जिराफ की कहानी द्वारा 10 से स्किप काउंटिंग करना सीखेंगे। ग्याफी अपनी दोस्त सनी के जन्मदिन की तैयारी के लिए फूल खरीदने आई है। ग्याफी ने सोचा कि कमरे को जन्मदिन के लिए सजाने के लिए 100 फूल काफी होंगे। ग्याफी फूल की दुकान पर पहुंच गई। वहां बबलू बंदर फूल बेच रहा था। ग्याफी ने बबलू से 100 फूल देने को कहा। बबलू ने तुरंत इस तरह की फूल से बनी 10 लड़ियां ग्याफी को दे दी। ग्याफी हैरान हो गई कि बबलू ने इतनी जल्दी 100 फूल कैसे गिन लिए। तब बबलू ने उसे कहा कि उसने फूलों को गिनने के लिए 10 से स्किप काउंटिंग का प्रयोग किया। बच्चों, क्या आप भी बबलू की तरह 10 से स्किप काउंटिंग करना सीखना चाहते हैं? आइए देखते हैं बबलू ने ये कैसे किया। बबलू ने पहले से ही हर लड़ी में 10-10 फूल पिरो लिए थे। इस तरह हर एक फूल की लड़ी में 10 फूल थे। फिर बबलू ने इस तरह से लड़ियों को गिना। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इस तरह बबलू ने ग्याफी को झट से 10 लड़ियां गिनकर दे दी। अब ग्याफी को बबलू को फूलों के लिए 100 रुपए देने थे। ग्याफी ने सोचा वो भी बबलू की तरह 10 से स्किप काउंटिंग कर झट से पैसे गिनकर बबलू को दे देगी। ग्याफी के पास 10 रुपए के नोट हैं। क्या आप ग्याफी की मदद कर सकते हैं? चलिए इसे एक साथ करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। शाबाश, ग्याफी को बबलू को 10-10 रुपए के नोट देने होंगे। ग्याफी ने बबलू को फूलों के लिए पैसे दिए और खुशी खुशी घर लौट आई। बच्चों, अब आपकी बारी है स्किप काउंटिंग करने की। क्या आप 10 से स्किप काउंटिंग कर इन रिक्त स्थानों को भर सकते हैं? अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने उत्तर साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने संख्या 1 से 100 तक 10 से स्किप काउंटिंग करना सीखा।